श्री रामनवमी के दिन जो भव्य शोभा यात्रा निकलती है, मैंने कहा था बिना आपके कभी ये शोभा यात्रा सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं सभी मेरे राम भक्तों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो हर वर्ष कईयों घंटे बिना पानी के, बिना खाने के, और सब लोग इतनी कड़कती हुई धूप रहने पर भी हजारों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ आज इस बेगमराज छतरी में हर वर्ष राम भक्तों को एक संकल्प दिलाया जाता है। बेगमराज छतरी पर जो हजारों की संख्या में कार्यकर्ता राम भक्त आते हैं, उनको एक संकल्प दिलाया जाता है। क्या आप फिर से एक बार संकल्प लेने के लिए तैयार हो? तैयार हो मित्रों? आज हम सब के सब लोग बहुत ही भाग्यशाली है। अरे हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जीते जी अयोध्या में राम मंदिर, राम लला के दर्शन कर सकेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे सबके जीते जी धारा 370 हटते हुए हम देख सकेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन आज मित्रों याद रखना मेरे दोस्तों, इस भगवे में कितनी ताकत है, इस भगवे की ताकत को पहचानो। अरे जब जब भगवा लहराता है, अच्छे अच्छे लैंडों की फट जाती है। अरे जब जब भगवान लहराता है, देशद्रोहियों की छाती फटने लगती है। अरे जब जब भगवान लहराता है, हिंदू विरोधी चूहों की तरह अपने बिल में चुप जाते हैं। मेरे मित्रों, हम सबका एक संकल्प था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। हम सबका संकल्प था मित्रों। हम लोगों ने केवल 3 मंदिर मांगी थी, केवल 3। वो भी 3 क्यों? क्योंकि हमारे भगवानों ने वहां पर जन्म लिया था, इसलिए हम 3 मंदिर मांग रहे थे। 500 सालों से हम केवल 3 मंदिर मांग रहे थे। लेकिन जो राम विरोधी है, कृष्ण विरोधी है, मेरे शिव विरोधी है, इन हरामियों ने हमें वो मंदिर नहीं दी। भी नहीं जाते। लेकिन आज देखिए, हमने एक मंदिर हासिल कर ली है। मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताना चाहूंगा, एक छोटा सा इतिहास।